21वीं सदी के छत्तीसगढ़ का नंगा सच। सड़क किनारे रोती रही इंसानियत, 15 घंटे इंतजार करती रही एक लाश। चारपाई में उठा जनाजा, पोस्टमार्टम के लिए 30 घंटे करना पड़ा इंतजार। गरियाबंद में गुर्बत बिलखती रही, न एम्बुलेंस आई न कोई मदद मिली। क्योंकि मर चुकी थी संवेदना, क्योंकि अंधा हो चुका था सिस्टम, क्योंकि सरोकारों ने तोड़ दिया था दम। कब तक, आखिर कब तक सहते रहेंगे हम? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ला, आपकी बात में स्वागत है आप सबका। हमारी खास पेशकश है मर गया सरोकार जागो सरकार। गरियाबंद जिले का एक गांव है लिटीपारा, यहां एक शख्स सड़क हादसे में जान गंवा बैठा। पुलिस को इसकी खबर मौके पर लग गई, पर सड़क से मर्चुरी तक पहुंचने में उसे 30 घंटे लग गए। जी हां, 30 घंटे तक एक लाश इंतजार करती रही। मानवाधिकार के नारों के बीच ऐसी जिल्लत उस बदनसीब को मौत के बाद उठानी पड़ी। ऐसा वाकया पहली बार नहीं घटा है, नहीं आखिरी बार भी होगा शायद। हर बार की तरह फिर ये सवाल शूट बनकर हमारे सामने खड़े हैं, क्या यही सुशासन है जिसके सपने हमें दिखाए जाते रहे, और क्या यही वो अच्छे दिन है जिनका इंतजार हम इतने बरसों से कर रहे थे? ये मंजर डराता है, झकझोरता है, ये कहता है कि इंसानियत इतनी सस्ती कैसे हो गई, इंसान होने का हक हुकूक इतने बेमायने कैसे हो गए। गरियाबंद के पिपरछड़ी इलाके में लिटीपारा की ये घटना है, जहां आधी रात को हुगलाल सोरी नाम का एक ग्रामीण सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। शत विशत लाश करीब 15 घंटे सड़क किनारे पड़ी रही। इसी बीच सैकड़ों लोग वहां से गुजरे, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। गरीब परिजन थाने में गुहार लगाते हैं, पर मदद नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए फोन लगाते रहे, पर हाथ आई सिर्फ मायूसी। आखिर परिजन खाट पर लाश को लादकर लिटीपारा स्थित अपने घर तक ले गए, पर संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें लाश को पोस्टमार्टम के खातिर छुरा ले जाने के लिए वाहन की जरूरत थी, एम्बुलेंस मिली नहीं। नतीजा, गरीब परिवार ने 5,000 का कर्ज लेकर पिकअप से उसे मर्चुरी तक पहुंचाया। हादसे के 30 घंटे बाद आखिरकार उस लाश का पोस्टमार्टम हो सका। 192 कुछ नंबर बताया तो उसको भी लगाए, बोलते हैं भैया हम तो गाड़ी डेड बॉडी को उठाने ले जाते हैं। हाँ। और यहाँ से पीएम होने के बाद हम लोग पहुँचाने चले जाएंगे, ऐसे करके बोल रहे। तो कुछ साधन देना चाहिए ना सर, बॉडी लाने के लिए, कुछ घर तक भी पहुँचाने के लिए। मजबूरन घर वाले उठा के लाए सर। किसमें? हाँ, खाट से सर। अच्छा, ये प्रशासन इसको देना चाहिए, गाड़ी देना चाहिए, ये सब चीज़ देना चाहिए। लाश के साथ में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, लाश के साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में इसमें ध्यान देना चाहिए। ये मामूली 30 घंटे नहीं थे, ये वो काठ कलेजा वक्फा था जो इस दौरान लिखता रहा हमारे सिस्टम का नकारापन, उसकी बेरहमी और उसकी संवेदनहीनता का जिंदा हलफनामा। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद। अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। मृतक ग्रामीण कुछ ऊपर ऐसा ही कह रहा होगा, कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आरपी सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। सुंदरानी जी, पहला सवाल आपसे ही, सत्ता में है आप, प्रशासन आपके पास है, कब तक इस प्रकार की घटनाएं होते रहेंगी? और ये उन इलाकों की घटना है जहां बहुत सेंसिटिव इलाका है, नक्सली वारदातें होती रहती हैं, ग्रामीण बेहद गरीब है, और आप जानते हैं कि ऐसे इलाकों में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, और समस्या जब पैदा होती है तो किस प्रकार की दूसरी समस्या, खासकर नक्सलवाद जैसी चीजें फलती फूलती हैं। निश्चित रूप से गरियाबंद जिले की जो ये घटना को अभी आप दिखा रहे थे अपने चैनल पे, दुर्भाग्यजनक है।
लेकिन इस एक दुर्भाग्यजनक घटना के कारण सरकार ने जो हजारों लाखों लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दी है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की है, लोगों को अच्छा इलाज कराने में अवसर दिया है, कई सारे हादसे एक्सीडेंट में लोगों को बचाने का काम किया है। सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने पिछले 14 सालों में कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख संजीवनी के माध्यम से बड़े इलाज के लिए बड़ी राशि देकर, चाहे वो छत्तीसगढ़ में इलाज कराएं या जाके हैदराबाद में इलाज कराएं या मुंबई में इलाज कराएं, दिल्ली में इलाज कराएं, ये सारी सुविधाएं डॉक्टर रमन सरकार ने जी इस सरकार के बीच में रोक रहा हूं। पर अगर आप सुविधाएं दे रहे हैं और वो सुविधाएं अगर निचले स्तर तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसी सुविधाओं का मतलब क्या? नहीं, निचले भले एक आदमी को आप कह रहे हैं, हालांकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि घटना दुर्भाग्यजनक है। स्थानीय स्तर के हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी ये लापरवाही कह सकते हैं या संवेदनहीनता कह सकते हैं, जो उनमें संवेदनाएं नहीं होगी, उन्होंने वहां पे ध्यान नहीं दिया। चाहे पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट की गई, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई या थाने को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने मौके पे ध्यान नहीं दिया गया, इन सारी चीज की जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस प्रकार की, अगर हम सारे 14 साल में अगर इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करेंगे तो हम 10-15 घटनाओं से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे पास लंबी सूची, हजारों लाखों लोग प्रदेश में ऐसे होंगे जिनको इलाज देकर लोगों का स्वास्थ्य बचाने को लेकर, ये जो घटनाएं जिनको आप 10 या 15 बता रहे हैं, ये महज एक संकेत है कि प्रशासन वहां काम नहीं कर रहा। ये घटनाएं 10 और 15 अगर आप बता रहे हैं, तो इसके अलावा दूसरी परेशानियां भी प्रशासन पिछले 14 सालों में अगर प्रशासन वहां एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाया तो दूसरी और भी लापरवाही करता होगा। ये महज एक संकेत है कि वहां प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है इन इलाकों, या सूचना तंत्र का भी इसमें कारण हो सकता है। मैं एक तरफा ये नहीं कह सकता कि अधिकारी या कर्मचारियों की लापरवाही, सूचना तंत्र की भी कई बार व्यवस्था नहीं होने के कारण कोई हादसा हो जाता है, किसी की रोड पे लाश पड़ी रह जाती, या जो आने जाने वाले लोग जागरूकता का परिचय नहीं देते, सारे कई सारे कारण होते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना, कारण हम आरपी सिंह जी से पूछ लेते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, और सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी कर्मचारियों को संवेदनाएं रख के कोई ना कोई काम करते हैं। आप सिंह जी, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं जबकि सुंदरानी जी का कहना है सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए? अभिषेक जी, देखिए, मुझे एक शेर याद आता है कि मुल्क का इतना तुन अब मयार गिरे कि सुर्खियां देख के हाथ से अखबार गिरे। यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति अखबार पढ़े तो मेरा दावा है कि अंतिम पन्ने तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ से अखबार नीचे गिर जाएगा। सुंदरानी जी कह रहे थे कि 14 साल में 15 घटनाएं, मैं 15 दिन में 30 घटनाएं गिना सकता हूं, ज्यादा तो नहीं, 5-7 घटनाएं मेरे पास अभी हैं। आज का अखबार जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये मामला गरियाबंद का है। आज का अखबार एक मामला बगीचा के सन्ना का है, इसमें साफ साफ लिखा है कि यहां भी दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, सूचना देने के बाद को एम्बुलेंस लिया, परिजनों ने उसे निजी गाड़ी मिलने जाकर अस्पताल भेजा, अस्पताल में चीरघर नहीं था इसलिए सड़क के किनारे खुले जंगल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। ये आज के अखबार कहते हैं। और पीछे चलते हैं, 6 तारीख को पीएम के लिए 30 किलोमीटर कंधे पर लाद कर परिजनों लाया शव, बैकुंठपुर की घटना। फिर और पीछे चलते हैं, 2 तारीख को मानवता हुई शर्मसार, कहां पे मुख्यमंत्री का गृह जिला राजनांदगांव, जहां उनके पुत्र सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद विधायक हैं, वहां ये हाल है, एक युवा बेटी की मौत हो जाती है इलाज के अभाव में और उसके परिजन बाध्य होकर हाथ के ठेले पर शव रखकर अपने गांव ले जाने के लिए मजबूर हैं। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यह हाल है, बाकी प्रदेश का क्या होता होगा मैं नहीं जानता। आप ही के प्रोग्राम में एक ये डेट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यह मुख्यमंत्री के राजनांदगांव विलेज के आईसीयू का हेडिंग था कि टूटे हुए बेड स्टूल के सहारे मरीजों को घर से लाने पड़े पंखे। ये आईबीसी में हमने बैठकर डिस्कशन किया था, मैं खुद आपके साथ था। ये तमाम जो घटनाएं हैं बताती हैं कि प्रदेश में हालात क्या हैं। मैं विधानसभा की एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जी। 11 मार्च 2016 बजट सत्र की बात है, हमने पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा विभाग का हालचाल क्या है। ये हालचाल इन्होंने बताया साहब, चिकित्सा विशेषज्ञ स्वीकृत पद है 1170, काम करने वाले लोग हैं 186, रिक्त पद है 984। ये डॉक्टरों की स्थिति है इस राज्य में।
कुल सेटअप स्वास्थ्य विभाग का, ये इनकी सरकार के आंकड़े हैं। कुल स्वीकृत है 33,696, काम कर रहे हैं 24,000 लोग, लगभग 9,000 पद रिक्त हैं। ये संवेदनशीलता है। अब जो सुंदरानी जी बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, होंगे सुंदरानी जी की निगाहों में, हमारी निगाह में नहीं है। देखिए, किसी यदि एक व्यक्ति की आप मदद कर देते हैं जो शहरी है, जो साधन संपन्न है, या जिसके संपर्क ज्यादा है, तो वो कोई मामला नहीं है और ना ही कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तब है जब सुदूर बस्तर में, सुदूर सरगुजा में किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के पास कोई चिकित्सा की आवश्यकता हो और आपका तंत्र वहां पहुंचता है, तब संवेदनशीलता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह देव एक बात कहते थे बार बार कि इस राज्य में प्रशासनिक आतंकवाद की स्थितियां हैं। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी कहते थे इस प्रदेश में जंगल राज है। और ये तमाम घटनाएं जो रोज रोज सामने आती हैं, ये उन दोनों महान नेताओं की बातों की पुष्टि करती हैं। असल में देखिए, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है कि ना ही कि नीचे से ऊपर की तरफ। जब मुख्यमंत्री की बात उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो अधिकारी की बात उनके अधीनस्थ नहीं सुनते हैं। मुझे याद आता है यहां के सबसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर लिखा था कि मुख्यमंत्री के निवास में हुई कैबिनेट की बैठक और एक मंत्री रोते हुए निकले। कौन थे वो मंत्री? बाद में अगले दिन मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को बुलाया, मंत्री के सामने डांटा और आगे चलकर उसको भाग बदला गया। तो एक साधारण सी बात है, जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती भाजपा की, तो लोग शिकायत करते हैं कि सुंदरानी जी, जवाब उनसे हम यहाँ पे सुंदरानी जी से भी लेते चलते हैं। सुंदरानी जी, कई मामले यहाँ पर आरपी सिंह जी ने भी गिना दिए। ऊपर जरूर व्यवस्थाएं होंगी स्वास्थ्य के लिए, एम्बुलेंस होंगी शहरों में, लेकिन सुदूर इलाके में अगर विकास नहीं पहुंच रहा तो महज हम कार्रवाई करेंगे या ऐसी संवेदनहीनता करार करके बचा नहीं जा सकता। देखिए, सुदूर जिलों की अगर बात करें और क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी सारी सुविधाएं हैं। अगर वहां सुविधाएं नहीं होती तो 2-5 घटनाएं निकल के नहीं आती, सैकड़ों घटनाएं रोज निकल के आती। ये वो घटनाएं जो मीडिया की नजर में आ गई, ऐसे हम वही मैं बता रहा हूँ कि ये महज आप इसे एक संकेत देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार लापरवाही हो रही है। ये लापरवाही अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकती है तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो रही है। अगर आरपी सिंह साहब को देखना है स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार सरकार ने बढ़ोतरी की है, किस प्रकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग मरीज यहाँ पे आकर मेकाहारा में इलाज कराते हैं, आप आंखों से चल के देख सकते हैं। कैंसर जैसे इलाज के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और अगल बगल के अन्य झारखंड के क्षेत्र के लोग भी अब विश्वास करने लग गए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर, यहाँ इलाज कराना। सुंदरानी जी, आप ये वही बात कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की सेहत ठीक है तो उस पर फोकस किया जाए, जो बीमार है उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। बीमार इलाकों में जो परेशानियां हैं, उसे कैसे करके आते हैं पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों से भी, और 500 मरीज सप्ताह में यहाँ पे कैंसर से ठीक होने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे ठीक होते हैं। यहाँ की विश्वसनीयता मुंबई जैसी अस्पतालों से भी बेहतर। सुंदरानी जी, अगर यहाँ व्यवस्था ठीक है जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन सुदूर इलाकों की हम बात कर रहे हैं, कहा वो घटना दुर्भाग्यजनक, मैंने पहले कहा कि आखिरकार ऐसे लोगों को दंडित किया जाना है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसी जो 5-7-10-15 घटना पिछले 14 साल में हुई है और वह समय समय पर दंडित भी हुए, और जो दंडित नहीं हुए उनको दंडित किया जाना चाहिए। संवेदनाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य अधिकारियों के भी मन में, या जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, जो सरकार उसके लिए इतनी तत्परता से काम करती है, उसकी सारी की सारी चीजें नीचे तक पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारियों का होता है, चाहे संबंधित थाने का क्यों ना हो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो भी मामले वहां पर गिनाए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई, कोई जानकारी है आपको पिछले कुछ दिनों के? मैं सुंदरानी जी को चुनौती देता हूँ, पिछले 14 साल में किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे जिसके ऊपर कार्रवाई हुई हो। और रही बात सरकार कितनी संवेदनशील है और सरकार की फंक्शनिंग कितनी अच्छी है, इसको आईना दिखाती है सीएजी की रिपोर्ट। इसी साल जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, मैं खाली एक लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना कार्यक्षम है, कितना तेजी से ये काम करने वाले लोग हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा वन संसाधनों के लिए 1,160 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें 416 करोड़ रुपया सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। यानी इस राज्य में पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि जनता के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेशन पहले से है कि जो बजट राज्य स्थापना के समय 3,500 करोड़ का हुआ करता था, टैक्स नहीं बढ़ाया सरकार ने 14 साल में। एक टैक्स नहीं बढ़ा, बजट कैसे बढ़ गया? सुंदरानी जी, कैसे बजट तो टैक्स बढ़ाने वालों की संख्या से बढ़ा है।
और 1100 करोड़ हमने कोई बैरियर नहीं लगाया, हमने लाठियां नहीं चलाई जो आपके राज में चलाई जाती थी। नहीं, आप स्वास्थ्य तो आपके आपके राज में लाठियां चलाई जाती थी, हमने बैरियर नहीं लगाया, हमने किसी टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई, आपके राज में बढ़ाई। ये सरकार कहती है कि 17,000 पे एक डॉक्टर है, हम घटा के 1,000 पे एक लाएंगे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार ने इस मामले के लिए भी कुछ नहीं किया है। अब मैं बात करता हूँ बस्तर और सरगुजा की। अभिषेक जी, ये बारिश का मौसम है, हम फिर ठंड में बैठेंगे और कभी ना कभी इस मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे कि बस्तर में एक बरसात की सीजन में जितने सुरक्षा बल के जवान मलेरिया के कारण मौत के काल के ग्रास में समा जाते हैं, उतने नक्सलियों की गोली के सामने शहीद नहीं होते हैं। ये बस्तर है, अभी ये तक कितना है, अभी तक कितना है, अभी तक कितना है, आंकड़े दे दूंगा। नहीं नहीं, अभी अभी बताओ आप कितने आंकड़े, आपके पास आप गुमराह मत करिए, ये फर्जी बातें करके गुमराह मत करिए, आप देश की जनता को गुमराह करें। आप बताइए कितने सैनिक, कितने जवान, कितने जवान विधानसभा के आंकड़े, नहीं नहीं, कितने जवान, कितने जवान, आप बताइए एक जवान का नाम लीजिए, चर्चा होगी सुंदरानी के सारे आंकड़े ले आऊंगा। आप एक स्वास्थ्य बात कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप देखिए बेमुद्दे की बात मत करिए, आप जवान का नाम बताइए जो जिम्मेदारी से कर नहीं सकते, नहीं नहीं, आप फर्जी आंकड़े देखे, आप गुमराह कर रहे प्रदेश की जनता को। मैं सहमत हूं, जिम्मेदार चैनल पे हम जिम्मेदार चैनल पे बैठे, क्योंकि आज हम प्रदेश के सबसे बड़े जी कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी है, मतलब ये विधानसभा फर्जी है, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि कौन जवान स्वास्थ्य सेवाओं नहीं मिल रहे, जवान मलेरिया से शहीद होते हैं, कौन मलेरिया से नहीं होते हैं, कौन मलेरिया से मृत्यु, आप एक नाम लीजिए, अगली आप एक नाम बताइए, कौन जवान एक होगी, आप ये गुमराह करने वाली बात है, ये बिल्कुल गुमराह, हरदीप सिंह जी आप गुमराह कर रहे हैं, आप फर्जी आंकड़े देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे निश्चित तौर पर, सरगुजा और बस्तर में मलेरिया का जो सवाल यहाँ पर आरपी सिंह जी ने उठाया उस पर भी हम सुंदरानी से जरूर जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले रहे हैं। मर गया सरोकार जागो सरकार कार्यक्रम है और क्योंकि सुदूर इलाके में अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुंदरानी जी, आरपी सिंह जी ने मलेरिया की बात उठाई, जवान मलेरिया से मर रहे हैं, चाहे बस्तर की बात हो चाहे सरगुजा की, सालों साल आंकड़े में वृद्धि होती है। सुपेबेड़ा की हम बात कर लेते हैं, 2.5 साल में 30 मौतें हो चुकी है, क्या अब तक वहां पर स्वास्थ्य अमला कर पाया है? देखिए, सुपेबेड़ा की जहां तक आपने बात छेड़ी अभिषेक जी, तो निश्चित रूप से सुपेबेड़ा में पानी का जो था उसमें 11 बोर हम लोगों ने बंद कराए, बाद में पूरा एचओडी मेकाहारा जाकर वहां पे सारे जांच किए, सारे मरीजों का चेकअप कराया, उनके इलाज, 2.5 साल और 30 मौतें, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई, उसमें पूरी की पूरी टीम डॉक्टरों की वहां पे लगी, उनका चेकअप हुआ, वहां पे सारी मशीनें ले जाकर उनका चेकअप किया गया और निश्चित रूप से उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। क्या उपलब्ध कराई गई, आप बता पाएंगे क्या निकला उसका? उनका किडनी रोग से पीड़ित है, पानी से वो ग्रसित है, पर नया पाइपलाइन वहां पे बिछाया गया, नदी से पानी लाकर दिया गया। नहीं जी, अब तक क्यों ये समस्या आ पा रही यही पता नहीं चल पाया, अभी तक केंद्र से ही मदद मांगी जा रही है। नहीं, पानी के सोर्स तो तैयार किए गए, वहां नदी से पाइपलाइन बिछाकर गांव को सालों साल हो गए हम सुन रहे हैं, सरगुजा की टीम जाकर पूरे 1200 मरीज, 1200 नागरिक उस गांव में रहते हैं, सारे उनको जो जो वहां पे चिन्हित किए गए उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। सालों साल हम बस्तर और सरगुजा के इलाकों में सुनते हैं मलेरिया की बातें आती हैं और ये आंकड़ा हर बार सामने आता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज था रायपुर का, आज छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज अगर बने तो एक सरगुजा और बस्तर में भी आज मेडिकल कॉलेज है। आपके 13 साल में नहीं दिखता, कांग्रेस ने 50 साल में एक मेडिकल कॉलेज और 14 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 9 मेडिकल कॉलेज, बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, ये कांग्रेस को नहीं दिखता, पता नहीं आंखों पे पट्टी बांध के बैठे, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं कांग्रेसी। देखिए, सच्चाई बताता हूं मैं, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, मेरे सामने कागज है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने मान्यता देने से किया इनकार। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जितनी शर्तें होती, अंबिकापुर का कॉलेज इनका मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता, उसके एमसीआई ने मान्यता नहीं दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। सुनते जाइए, दो निजी कॉलेज, एक रायपुर का, एक भिलाई का, दोनों का इस साल 0 ईयर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। तो ये इनकी सच्चाई है,
हाँ, इन्होंने भटका कॉलेज की बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग इसलिए बनाई साहब, उसमें कमीशन मिलता है, मोटा माल अंदर अच्छा। होता है। मुख्यमंत्री जब कहते हैं मतलब 14 साल से कमीशन खाली चल रही थी, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है। यदि सरकार गंभीर होती, सरकार गंभीर होती तो 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 अस्पतालों को मान्यता देने से मना नहीं करती। तो मकसद क्या है? मकसद यह है बिल्डिंग बनाई है 50 साल यदि मेडिकल कॉलेज, यदि सरकार की मंशा, यदि सरकार की मंशा दो मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिले तो हम देंगे, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने की होती तो विधानसभा में सरकार बताती नहीं कि 9000 पद रिक्त हैं। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट, जो मुखिया स्वीकार कर चुके हैं, वो है कमीशन खोरी। कमीशन खोरी जहां जहां मिलेगी, 2003 तक मिलेगी पद रिक्त, वो आंकड़ा बताऊं मैं आपको, जहां तक 22000 पद रिक्त थे, जहां तक 22000 पद रिक्त थे, जहां तक मलेरिया की बात आप बताओ, आप 9000 की बात कर रहे हैं। सरकार मेडिकेटेड, मेडिकेटेड कांग्रेस की सरकार के कितने पद रिक्त थे? सुन ले, ये बढ़िया मत बता रहा हूं आपको मैं। बस्तर में जवानों को मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटी जाती है, ग्रामीणों को बांटी जाती है। मैंने जब एक अधिकारी से पूछा कि एक समान मच्छरदानी और मेडिकेटेड मच्छरदानी में क्या अंतर होता है, तो उसने कहा कि इस पर लिखा होता है मेडिकेटेड मच्छरदानी, और मच्छर अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं पाता है, इसलिए उसके अंदर भी उसके जवानों को काट लेता है। बातें ये सरकार की सच्चाई है। आप चैनल का समय खराब करते हैं, काल्पनिक है सरकार, ये सारी काल्पनिक बातें करके इतने खराब करते हैं। एक भी अवसर है, सारी बातें आपकी काल्पनिक और शेरों शायरी पे आधारित होती है, जहां फर्जी आंकड़ों पे आधारित होती है, भ्रष्टाचार रहो। सुंदरानी जी, जो हमने बात की यहाँ पर, सुदूर इलाकों में इलाज नहीं पहुंच पा रहा, ये स्थिति आपने भी देखी है, आपने कहा कार्रवाई की जाएगी, पिछले आप कुछ बता पाएंगे क्या कार्रवाई हुई, अब तक स्थिति क्यों ऐसी बनी हुई है? अभिषेक जी, निश्चित रूप से दूर दराज के इलाकों में, चाहे बस्तर हो या सरगुजा में हो, पर्याप्त इलाज मिल रहा है। बस्तर और सरगुजा के लोग राजधानी भी आते हैं, आवश्यकता राजधानी आने की नौबत आवश्यकता पड़ने पर कई सारी ऐसी बड़ी बीमारियां जो उनको बाहर भी ले जाके इलाज कराने की व्यवस्था सरकार करती है, संजीवनी के माध्यम से करती है, लाखों रुपए खर्च करती है सरकार उन मरीजों। आपका कहना है कि सुदूर इलाके में अभी हम बिल्कुल बस्तर और सरगुजा की बात कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो वो पूरा आंकड़ा मिल जाएगा कि सरकार ने कितना सरगुजा और बस्तर के अंदर के दूर दराज के गांव के गरीब के लोगों को, कितने लोगों का इलाज करा। अगर कमेंट आप, हमारे पास हर साल आंकड़े आते हैं और हर बार हम ही खबर चलाते हैं कितने और इस प्रकार की घटनाएं। आपका भी फाइनल कमेंट चाहूंगा अभिषेक जी। देखिए मैं छोटी सी बात कहता हूँ, बस्तर में इस राज्य सरकार के सत्ता में आने के बाद 14 सालों में जितने जवानों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका यदि आप आंकड़े निकाल लें तो मेरा दावा है कि वैसे वैसे 10 बड़े अस्पताल सरकार अपने पैसे से बना सकती थी, लेकिन सरकार ने बनाया नहीं। आज बस्तर में घटना होती है, किसी रिपोर्टर को पूछना नहीं पड़ता है कि जवान इलाज के लिए कहां जाएगा, जवान उस निजी अस्पताल में पहुंच जाता है क्योंकि उसको मालूम है जवान यहीं आएगा। तो ये कमीशन खोरी नहीं है तो क्या है? आप ये बताइए, प्रदेश का कोई बड़ा नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बीमार होता है तो कहां जाता है? जीवन भर कांग्रेस की बात करते हैं आप, एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जीवन भर कांग्रेस ही लोग कमीशन खोरी करते हैं, हर काम में हमारा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, खाली कमीशन। अहम मुद्दा यहाँ पर है, और निश्चित तौर पर ये कोशिश जरूर थी कि सरकार के कानों तक ये बात जरूर डाला जाए कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जा रही है यहाँ से निकल जरूर रही है, लेकिन वो गाड़ी सुदूर इलाके तक अब भी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए उस व्यक्ति तक इलाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कम से कम उस अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचे, तब ये लाभकारी होंगी, तभी ये सक्सेस होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पेशकश में इतना।